हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो अभी BGMI के अंदर एक छोटा सा पैच अपडेट आया था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताई थी कि जैसे ही आप लोग इसको एक बार अपडेट करके गेम को ओपन करोगे, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनवाइट का जो ऑप्शन है अपने फ्रेंड्स को जो हम इनवाइट कर सकते हैं, वो ऑप्शन हटा दिया गया था। और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा रहा था, तो इसी के बारे में यहाँ पे जो ऑफिशियल के साइड से वो रिप्लाई आ चुका है। साथ ही में यहाँ पे अब अगर आप लोग खोलते हो गेम को, तो एक और आप लोगों को छोटा सा अपडेट देखने को मिलेगा, पैच अपडेट। जैसे ही आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा, तो फिर देख सकते हो आप लोगों का ये गेम हमारा जो ओपन हो जाएगा। एंड जैसे ही एक बार ओपन करके देखोगे कि हाँ इन्वाइट वाला ऑप्शन आया या फिर नहीं, तो देखो आप लोगों को इन्वाइट वाला भी ऑप्शन दिख जाएगा। एंड ऊपर में जो यहाँ पे लिखा जाता है ना कि रिक्वेस्ट टाइम आउट करके, वो भी नहीं लिखा हुआ दिखेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उनको आप लोग इनवाइट कर सकते हो, यानी कि अब इनवाइट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है गेम के अंदर। तो इस तरीके से आप इनको इनवाइट कर पाओगे। और बाकी यहाँ पे जो रिक्वेस्ट टाइम आउट का भी ऑप्शन था, उसको भी हटा दिया गया, मतलब वहाँ पे ये जितने भी ग्लिचेस थे इनको फिक्स कर दिया गया। और देख सकते हो यहाँ पे जो ऑफिशियल के साइड से भी रिप्लाई है, वो 9 बजे के आसपास आया था, जहाँ पे बोला जा रहा है पैच रिलीज 6 अगस्त 18:36, यानी कि यहाँ पे उस टाइम में ही आप लोगों का जो इवनिंग के टाइम ना, उसके बाद यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था इसको। और देख सकते हो फिक्सेस इशू लिखा हुआ है यहाँ पे, रिक्वेस्ट टाइम आउट एरर अकर्स एंड अनेबल टू इनवाइट फ्रेंड्स। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे, जैसे कि मैं बताई कि फ्रेंड्स को इनवाइट करने का ऑप्शन गायब हो गया था, तो इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। साथ ही में यहाँ पे जो हम लोगों का रिक्वेस्ट टाइम आउट का ऑप्शन था, इसको भी यहाँ पे जो साथ ही में मतलब फिक्स कर दिया गया। तो ये काफ़ी सही चीज़ है कि चल के हम लोग का ये सारा कुछ तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो फिक्स हो गया, बट इसके अलावा अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं। एक ग्लिच तो ये है, जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत टाइम पहले ही बताई थी कि ऐसा कुछ ग्लिच चल रहा है जहाँ पर हम लोगों का पॉइंट ही काउंट नहीं हो रहा है क्लैन बैटल के अंदर। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लैन बैटल अगर खेलोगे भी, तब भी आप लोगों का यहाँ पर जो पॉइंट है वो काउंट ही नहीं हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पर जो पिछले हम लोग के 4 से 5 मैचेस चल रहे थे, इन 4 और 5 मैचेस के अंदर देख सकते हो हम लोगों के यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो काउंट नहीं हो रहे हैं। दोनों ही टीम्स के 0-0 रह रहे हैं। एंड देख सकते हो यहाँ पे कोई सी भी टीम जीत ही नहीं रही है। अभी यहाँ पे जो देख सकते हो हम लोगों का एक और मैच चल रहा है, इसके अंदर भी यहाँ पे हम लोगों का जो अभी 0-0 पॉइंट है दोनों ही टीम्स का। और उसके बाद 2 मैचेस और होंगे और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये ग्लिच अभी तक नहीं फिक्स किया गया, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे एक अजीब ही ग्लिच यहाँ पे आ गया है, जहाँ पे देखो अगर आप लोग ओशियन पैलेस से निकलते हो, उसके बाद यहाँ पे अगर आते हो रोड पे, तो फिर देख सकते हो आप लोगों का यहाँ पे इस तरीके से कैरेक्टर स्विम ही करते रह जाता है। एंड ये अगर आप लोगों का कुछ इस तरीके से ग्लिच रहेगा, तो फिर आप लोग एनिमी को भी नहीं मार पाओगे। तो इस तरीके का ग्लिच काफ़ी ज़्यादा बेकार है, मतलब अगर यहाँ पे आप लोग देखो अगर मारने का भी ट्राई करोगे किसी को, तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते। एंड कोई भी एनिमी आपको इजीली मार के चला जाएगा। तो ये ग्लिच जो है पता नहीं बहुत ही बेकार ग्लिच हो रहा है, और इस तरीके से ही खेलने में तो एकदम अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इनको जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाए। एक चीज़ यहाँ पे फिक्स हुई बट दूसरी फिर से ख़राब हो गई। बाकी देखो यहाँ पे अभी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बोनस चैलेंज कब आएगा, बोनस चैलेंज कब आएगा। तो बोनस चैलेंज यहाँ पे हम लोग का आया था क्योंकि यहाँ पे BGMI की एनिवर्सरी थी, मतलब जब आया था जुलाई के आसपास में, जुलाई के स्टार्टिंग में, तो आपको पता होगा कि BGMI की एनिवर्सरी थी। एंड उस टाइम के लिए स्पेशली यहाँ पे इस इवेंट को दिया गया था, स्पेशली यहाँ पे जो बोनस चैलेंज का इवेंट है इसीलिए दिया गया था। लेकिन उसके बाद इसको थोड़े टाइम के बाद ही हटा दिया गया था, क्योंकि एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जो इरेंगल मैप का ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे थे, एंड कुछ जो यहाँ पे हम लोगों को यूसी सब दिख रहा था वो मिल रहा था, लेकिन आउटफिट वगैरह तो नहीं मिल रही थी। तो आउटफिट वगैरह हम रिडीम नहीं कर पा रहे थे। साथ ही में यहाँ पर आपको पता होगा कि बाकी सारे मैप भी हम लोग खेल सकते हैं, सिर्फ इरेंगल ही नहीं। इरेंगल के अलावा यहाँ पर हम लोग का जो लिविक हो गया, और इसके अलावा यहाँ पर जो अरीना मोड हो गया, ये सारे मोड हम लोग खेल सकते हैं। और साथ ही में ये भी नहीं है कि सोलो ही खेलना है, स्क्वाड भी खेल सकते हैं, डुओ भी खेल सकते थे, बट यहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी ऑप्शन ऐड नहीं किया गया था कि आप लोग यहाँ पे सोलो या डुओ खेल सकते। तो इस तरीके का यहाँ पे, और साथ ही में मैप भी ऐड नहीं किया गया था। तो ये इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा इवेंट दिया गया था, वो भी सिर्फ एनिवर्सरी के लिए, ताकि यहाँ पे थोड़े बहुत अच्छे इवेंट्स आ जाए उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे क्योंकि इनके साइड से कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया है कि आगे कब तक ये इवेंट आने वाला है, क्या आगे ऐसा कुछ इवेंट आएगा दोबारा से बोनस चैलेंज का, तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। और यहाँ पे अभी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि हम लोगों को बोनस चैलेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा बहुत जितना भी पहले आप लोगों ने खेल लिया, अगर आप लोगों ने खेला और अगर आपने पॉइंट्स कलेक्ट करके रखे हैं बहुत सारे जिनको आप रिडीम नहीं कर पाए,
तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग का कभी ना कभी तो आए, कहीं अगले साल आए या फिर इसी साल आए, देखते हैं। और उसके बाद आप लोग रिडीम कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही वेट करना पड़ेगा अगर यूसी वगैरह आप रिडीम करना चाहते हैं तो। बाकी यहाँ पे अगर आप लोगों ने सारा कुछ रिडीम कर रखा है तो फिर देखो जब तक इवेंट आ जाए, ऐसा तो है नहीं कि इस बार आ जाएगा या फिर कुछ टाइम में आ जाएगा। इन लोगों ने सिर्फ एनिवर्सरी के लिए इवेंट दिया था। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अभी जो हम लोगों का एक सूट का इवेंट चल रहा है ना, इसके अंदर आप लोग स्पिन ज़रूर से करना। जो यहाँ पे 10-10 यूसी का स्पिन होता है, इसको ज़रूर आप लोग स्पिन करना, क्योंकि देखो एक तो किस्मत बहुत अच्छी चल रही है इस इवेंट के अंदर, या रिवॉर्ड अच्छे दे रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 यूसी में यहाँ पे मुझको ये स्काई हंट्रेस करके जो अपग्रेडेबल यहाँ पे ग्रेनेड की स्किन है, ये मुझको मिल चुकी है। एंड देख सकते हो मेरे जो पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे टोटल 9 हो चुके हैं, एनर्जी पॉइंट 9 हो चुके हैं। और इसी तरीके से करते करते आप लोगों को 300 करना है, और ज़्यादा नहीं आप लोगों को यूसी लगेगा, 2-3 हज़ार यूसी में आप लोगों को ये एक्सूट मिल जाएगी। और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, तो जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग एक्सूट को बहुत ही सस्ते में ले सकते हो। तो जाओ जाके उस वीडियो को देखो अगर देखना है तो। बाकी नहीं सर उस वीडियो के अंदर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना कर पाओ, तो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।